गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ फॉर थर्ड क्लास एंड योर फर्स्ट चैप्टर इज़ नो अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के बारे में क्या क्या जानते हैं। इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज़ फीचर ऑफ कंप्यूटर्स, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर्स। नाउ हेलो किड्स, इन दिस प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द मशीन्स। आप इससे पहले सेकेंड क्लास में मशीन्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट कंप्यूटर इज़ अ मशीन। आपको सबको पता है कि कंप्यूटर एक हमारी मशीन होती है। वी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती हैं और वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वो हमारा वर्क करती हैं। मोस्ट ऑफ द मशीन्स कैन डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क व्हाइल कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कैन डू अ वैरायटी ऑफ वर्क्स एट द सेम टाइम। हमारी कई मशीन्स होती हैं जो ओनली एक ही काम करती हैं, लेकिन हमारी जो कंप्यूटर की मशीन होती है वो हमारी एक ही समय पर बहुत सारे काम कर सकती है। This is a reason why computer is being used at different areas. यही एक कारण है कि जिससे हमारा computer different different areas में use होता है। So do you agree computer can do variety of works? Now let us check that what you can do on your computer. अब देखते हैं हम computer पर क्या क्या work कर सकते हैं। अब इसमें हमें टिक करना है कि कौन सा हमारा कंप्यूटर पे हम वर्क कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें फर्स्ट है हमारा प्ले गेम्स। प्ले गेम्स हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं, यस। वॉच मूवी, हम मूवी वॉच कर सकते हैं कंप्यूटर पर, यस। ड्राइंग एंड कलरिंग, हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, यस। सेंड एंड रिसीव ईमेल, हम ईमेल्स को अपने कंप्यूटर्स की हेल्प से सेंड भी कर सकते हैं और उनको रिसीव भी कर सकते हैं, मीन्स भेज भी सकते हैं और हम उनको प्राप्त भी कर सकते हैं, तो ये भी हमारा यस होगा। टाइप लेटर्स, हम कंप्यूटर पे लेटर्स को भी टाइप कर सकते हैं, फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। एंड लर्न अबाउट सब्जेक्ट्स, एंड किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं ऑन द कंप्यूटर। आगे देखते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एंड हाउ डज इट वर्क। अब देखते हैं इसमें कंप्यूटर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। इसमें देखिए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स आइडियाज़ प्रोसेस एंड गिव द रिज़ल्ट। कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि डेटा हमसे लेती है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें रिज़ल्ट वो देता है। अब इसमें देखिए, डू यू नो यू नीड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट यू वांट इट टू डू। हम कंप्यूटर को बताएंगे कि उसे करना क्या है, जैसा हम उसको डेटा देंगे वैसा ही वो हमें रिज़ल्ट देगा। अब आगे देखिए, इसमें ए कंप्यूटर वर्क्स इन द फॉलोइंग वे। कंप्यूटर हमारा एक फॉलोइंग वे में वर्क करता है। देखिए, फर्स्ट इसमें हमारा यू एंटर द डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड और माउस, मींस हम अपने कंप्यूटर में डेटा एंटर करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को एंटर करेंगे, मींस हम अपना इनपुट देंगे। किसके द्वारा देंगे? कीबोर्ड या माउस की हेल्प से। अब अगर हमें सम करना है तो हमें पहले उसमें डिजिट को देना पड़ेगा। अगर हमें टू प्लस में टू करना है तो हमें पहले टू लिखना पड़ेगा, फिर प्लस टू लिखना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेटा और इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। वो हम किसकी हेल्प से देंगे? कीबोर्ड की हेल्प से दे सकते हैं या माउस की हेल्प से दे सकते हैं। एंड दैट डेटा इज़ कॉल्ड इनपुट, तो वो हमारा डेटा कौन सा होगा? इनपुट कहेंगे उसको हम। एंड इट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू विद इट, तो हम बता देंगे कंप्यूटर को हम कि उस डेटा के साथ कंप्यूटर को क्या करना है। अब सेकंड स्टेप से इसमें, द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा विच हेल्प द हेल्प ऑफ द सीपीयू। जो भी हम डेटा अपने कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो वो डेटा हमारा सीपीयू की हेल्प से प्रोसेस होगा, तो उस को क्या बोलेंगे हम? प्रोसेसिंग। तो वो हमारा क्या होगा? प्रोसेसिंग। जो भी हम डेटा अपने कंप्यूटर में एंटर करेंगे वो हमारा सीपीयू की हेल्प से प्रोसेस होगा और उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। थर्ड स्टेप इज़ आफ्टर प्रोसेसिंग, जब हमारा डेटा हम एंटर कर देंगे कंप्यूटर में, वो प्रोसेस भी हो जाएगा, तो उसके बाद कंप्यूटर डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑन द मॉनिटर। तो हमारा जो डेटा हमने एंटर करा है टू प्लस में टू, वो हमारा डेटा हो गया, तो हमें आंसर चाहिए फोर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर शो हो जाएगा ऑन द मॉनिटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट।
and above mentioned steps together form the input process, output process. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IPO. And ये हमारा डायग्राम हो जाएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, IPO प्रोसेस. थैंक यू.